में, वहाँ 2.7 है पंजाब में बी, और सी हमारे पास 4.5 है, वहाँ 4.9 है, तो 4.4 मतलब जो है ना 0.4 उनकी ज्यादा उधर जी काफ़ी अड़ा गोठ जिनते तीन रसाई नी सकी जिन तीन अवेयरनेस नी सकी मू अज तीन सर्वे किया हों या चिकास कर तो शहर के बनस्बत बहराड़ी में तमाम घणो बी ए सी फैलियल है। खास तौर पर तेलको शदापुर वो मुआ छोरा बागोबदा बहरा वो आउं समझा तो को घर खाली ना जैमें बी ए सी न हो इन खुशूस तौर अड़ा कैंप लगा जो जाम साहब लगाया अड़ा मखसूस के तेल क्या गोठ हो जिनते अवेयरनेस कुछ टेस्टू इन कुछ कर बेहतर कैंपू लगाया तो शदापुर में खान सजनाणी में लगी परून में लगी उनका पो मुआ छोरा लगी वरी मानू जमाली में लगी गुलमोद निगारी में ये लगन थी हाँ इतने भी तुम निशानदेही कई है बिन्हीं गोठन की मुआ छोरा में लगी है बाकी इन लगाईंदी बागोवदादाणी में भी लगाईंदी बी गाल तो मुझे पैगाम यो सभी दोस्तों के मीडिया के थ्रू तो शदापुर में ये सहूलतूँ आन अचन मुफ्त में टेस्ट कराइन मुफ्त में वैक्सीन भी लगाइन असी कैंप जो लगाऊँ बजाय जैसे मानू की एक्सेस आए तो इतने मुफ्त में थी तो लगे रूटीन भी पर तुम यह निशानदेही कही भागो वादा दाणी इनशाला न्याज इन प्लान कर अस हिंद पैल 175 कैंपू लगे 175 कैंपू लगी बिल्कुल सही सवाल तो कर गाल जो सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट जी भी दवा इंदी है चाइना की हुए चाहे जापान की हुए पैर पाकिस्तान गवर्नमेंट अच्छे रजिस्टर्ड थी उनकी एन आई एच लेबॉरटरी असि इस्लामाबादी है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ वह लेबॉरटरी नालो है उनका सैंपल खड़ी उनके एनालिसिस करना टेस्ट करना वो आई डब्ल्यूएचओ जो क्राइटेरिया दिसना जे अप्रूव्ड डब्ल्यूएचओ होती आई उनते होती तो रजिस्टर्ड करना न त न करना हां चाइना की दवा बिल्कुल या आई चाइना जी आ उने जी रजिस्टर्ड थिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड आ बेहतरीन कम कर के जी सर्वे कई 76% उने जी क्योर रेट है 76% सक्सेस रेट है। एक में दोस्तों के लिए क्लियर बता दूं चंद दिनों के बाद आप लोग में से दो आएंगे यार मजीद उसका मैंने इलाज करवाया हेपेटाइटिस के बाद तक टीके लगे मगर उसको तो फायदा नहीं दोबारा उथल के वो लिख लो आप कि दुनिया का कानून है दुनिया का इंटरनेशनल रूल है कि हेपेटाइटिस बी और सी का 70% क्योर रेट है 68 से 70% लोगों को फायदा होगा 30% को नहीं होगा क्योंकि ये जरासीम जो है वो कैंसर से भी खतरनाक है हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस जो है कैंसर से भी खतरनाक है 70% को फायदा होगा 30 को नहीं होगा। फर्ज करो शदापुर मैंने 1000 आदमी को हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट करा दिया तो उसमें 700 तो या 800 सही हो जाएंगे 200 भी उनमें फिर जरासीम रह जाएंगे उनके लिए फिर टेस्ट करके दूसरा इलाज करना पड़ेगा। तो ये कुदरती अमल है इंटरनेशनल फार्मूला तो पाकिस्तान में नहीं दवाओं में असर है बिल्कुल 72 से 76% ये फायदा होगा 28 से 30% लोगों को फायदा नहीं होगा मतलब फायदा नहीं से मुराद कि उनके जरासीम मरेगा नहीं सप्रेस हो जाएगा एक है ना किसी में लठ ले खड़े हो उठ दो कोन सुतो पे हो दो और डारमेंट हो दो एक्टिव न हो दो हां न तो हो जे कने वो भी इलाज न थे तो मारे भी जमा होंगे पर वो डारमेंट हो दो लेजी को हो दो एक्टिव पुलिस में जरासीम मिलना पुलिस में ऐसा के 8% का 9% या 8% छोटा सा जितने भी जेल जे कैदिन में कई वन कैंप पुलिस ने सांगी अच्छा सर जो मुख्तलि एनजीओ दावा करती है कि जो ये हेपेटाइटिस बी और सी के जो कराया जाता है एनजीओ दावेदार एनजीओ मुख्तलि एनजीओ कोई भी एनजीओ नहीं आपके चुनावपुर में कितने एनजीओ है नहीं नहीं वो किसी ने एक का इलाज करवाया हो सवाए मुझे एक जो हमारी काटन इंस्टीट्यूशन थी जिसमें चौधरी सरवर ईसा वसान वालों ने कहा कि हमने 50 आदमी का इलाज करवाया है उन्होंने काटन इंस्टीट्यूशन थ्रू मगर वो भी पूरे नहीं पा सके क्योंकि 50 उसकी एक लिवर बायोप्सी करानी पड़ेगी लिवर बायोप्सी जिगर की टेस्ट करानी पड़ेगी उसमें अगर वो ग्रेड 1 और 2 में 4 ग्रेड होते हैं इसके लिवर के पैथोलॉजिकल
ग्रेड वन और टू में होगा तो उसका इलाज होगा, उस पर 3 लाख रुपए के टीके लगेंगे। जो हमने देखा शहजादपुर के भी कई मरीज हैं उनमें लग रहे हैं, सांगड़ के भी आ रहे हैं, पूरे सिंध के, उनमें 3,12,500 रुपये का एक टीका आता है वो लगेगा उसको। जैसे यहाँ शहजादपुर का एक कौन है, 4 आदमी है बिल्कुल, पर लिवर बायोप्सी जरूरी है। हेपेटाइटिस सी और बी के लगने से कोई नुकसान नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट, एक होता है बी के बचाव के टीके लगते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो जस्ट टीका है। एक तो उसको शदीद बुखार होगा, फौरन लगेगा टीका और बुखार 102 103 तक जाएगा, इसके लिए हम कहते हैं मरीज को ये तंबीह कहते हैं बाबू टीका लगाओ रात को या शाम को, नंबर वन, क्योंकि ठंडक होगी, टेम्परेचर वो से बचोगे। दूसरी बात, इनके टीके लगाने से पहले 2 गोलियां पैरासिटामोल खा लो, क्योंकि ये बुखार कोई बीमारी वाला नहीं है, ये इंजेक्शन दिलाती है, बहुत सख्त इंजेक्शन है। एक ये हो सकता है। दूसरा, अगर कोई साइकिक मरीज है, नफ्सियाती मरीज है, उसको लगेगा तो और बुरा करेगा उसका और वर्स्ट हो जाएगा, खतरनाक होगा उसकी, यानी डिप्रेशन और बढ़ जाएगी, तो एक वो डिप्रेशन कर सकती है। तीसरा, एलर्जी कर सकती है स्किन की, अगर इसलिए हम कहते हैं जिसको स्किन एलर्जी हो, कोई खारिश की बीमारी हो, तो ये टीका लगाते हुए एहतियात करें। चौथा, प्रेग्नेंट औरत कभी नहीं लगवाए, हमला औरत कभी ये टीका नहीं लगवाए, लगवाएगी उसका बच्चा अपाहिज हो जाएगा, उसके हाथ भी काम करना छोड़ जाएंगे या कभी टांग पे पर असर पड़ सकता है, सी वाला। इसलिए हम हेपेटाइटिस सी में अगर औरत है उसको ट्रीटमेंट हम शुरू नहीं करते, बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद शुरू करते, क्योंकि इसकी ये खराबी इस दवा की है कि हमला औरत को लगेगा तो बच्चा माजूर पैदा होगा, उस पर कोई ऐब हो सकता है, इसलिए जो ना ये 3 इसके खतरनाक है जो असर। बाकी तो अल्लाह पना दे, पैरासिटामोल की गोली खाओ, किसी को वो भी इंजेक्शन कर देती है, बाल भी किसी के चले जाते हैं, मगर वो 1% बंद हो गए, 1% डबल डोज लग गया मेरे हेपेटाइटिस बी का। अच्छा, शुगर हो गया? नहीं, शुगर नहीं करती। मैं बताऊँ, और एक नहीं, मैं आपको 4 केस दिखाता हूँ जिनको डबल लगा है, डबल होने के बाद हमारे तो खानदान में किसी को है भी नहीं। परवेश साहब, मैं इसलिए नहीं मानता इसको कि शुगर की 4 वजूहात, या तो खानदानी गुस्से में हो, किसी में भी नहीं, या फिर वो दूसरी चल के आगे बीमारी हो जाए, टेंशन, मैदे की तकलीफ, और ये बहुत वजूहत है इस बीमारी से आज तक। मैंने 1-6 महीने के बाद वो सबसे अच्छा है, यानी पहले और दूसरे टीके में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे में भले 6 महीने हो जाए कोई बात नहीं, 6 महीने तक लग सकता है। जब 3 टीके लग जाता है इंसान 87% महफूज हो जाता है हेपेटाइटिस बी से, कितना परसेंट? 87। जब 3 टीके लगने के बाद 5 साल के बाद एक टीका लगेगा जो कहलाता है बूस्टर डोज, 5 साल के बाद 3 टीके लग जाए, महीने एक 5 साल के बाद लग गया वो कहलाता है बूस्टर डोज, फिर आदमी महफूज हो जाता है 92%, 8% फिर भी चांस कुदरत पे छोड़िए।